सबको यस सर, स्क्रीन विजिबल है? जल्दी बताओ, बहुत तुम यस लोग सर, ब्रेक ले लिए। चलो ये हो गया था ना, यहां तक किसी को दिक्कत है? नोट्स इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग प्रैक्टिस, ठीक है? तो तुम लोग बनाओ क्वेश्चंस, हम दो क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? दो क्वेश्चन, दोनों में नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करके ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है? चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये इंक दिख रहा है या नहीं? ये दिखता है या दूसरा ले लें? दूसरा, सर दूसरा लीजिए। चलो ये ठीक है। यस एमजी सॉलिड से ये कन्वर्ट हो रहा है Mg2+, और इसका कंसेंट्रेशन है 0.001 मोलर, ठीक है? Cu2+ 0.0001 मोलर, ठीक है? वैल्यूज अच्छे से देख लेना, गलत मत करना, Cu सॉलिड में, ठीक है? ये हमको दिया हुआ है, इसका ई सेल कैलकुलेट करना है, ई सेल फाइंड आउट करना है तुमको। और यहाँ पे गिवन डेटा जो दिया गया है, ई नॉट Mg2+ से Mg, ठीक है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है -2.36 वोल्ट, और ई नॉट Cu2+ से Cu, इसका 0.34 वोल्ट है, ठीक है? ये वैल्यूज हमको दिए गए। क्वेश्चन नंबर वन है ये, क्वेश्चन नंबर टू तुम लोग बनाओ, वन बनाओ तब तक, ठीक है? क्वेश्चन नंबर टू हम दे रहे हैं यहाँ पे, Fe सॉलिड ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ 0.001 मोलर, दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? यस सर। ठीक है चलो बनाओ, फर्स्ट वाला बनाओ, उसके बाद सेकंड, 1 मोलर, और ये H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रेशर इसका 1 बार है, और प्लैटिनम सॉलिड क्वेश्चन नंबर टू है। चलो ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करना, आसान है जैसे बताएं, स्टेप बाय स्टेप करो, जो भी मेथड तुमको आसान लगे, मेथड वन या मेथड टू जो भी बताएं, किसी भी मेथड से बना सकते हो, आंसर सेम आएगा। और कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ, इसका मतलब हमको 25 डिग्री सेल्सियस वाला यूज करना एक्सप्रेशन। सबसे बन जाना चाहिए दोनों, ठीक है? बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप करो, आंसर आ जाएगा।
सॉरी हो गया क्वेश्चन नंबर वन बना सर 2.67 सही है। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है ए सेल इज इक्वल टू 2.67 वोल्ट। ठीक है चलो सेकंड बनाओ। जिसका फर्स्ट हो गया आंसर मिला लेना 2.67 है। जो फर्स्ट कर लियो वो क्वेश्चन नंबर टू करो। फर्स्ट का 2.70 है। यस सर फर्स्ट का 2.70 है। 2.70 तो नहीं है 2.67 है आंसर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो तुम लोग। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड आया -2.56। 2.56 नहीं 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 2.45 आएगा। -2.45 -2.56 नहीं है 2.45 है। कैलकुलेशन वहां पे एरर कर रहे हो तुम लोग। लॉग फाइव का तो 0.7 वैल्यू। लॉग फाइव कहाँ पे यूज होगा यार? रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का ही बात कर रहे हो ना तुम लोग? एनोड का -2.56। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन ध्यान से देखो सब लोग। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड अगर लिखेंगे हम लोग, एनोड पे हमको पता है कौन सा रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका हमको रिडक्शन निकालना है। तो रिडक्शन निकालना है तो रिडक्शन वाला इक्वेशन क्या हो गया, Mg2+ दो इलेक्ट्रॉन और ये Mg सॉलिड में जा रहा है ना। तो इसका हम निकाल रहे हैं Emg2+Mg, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा E0 Mg2+ से Mg वाला वैल्यू -0.0591/2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दो इन्वॉल्व है, और लॉग Mg सॉलिड का तो कंसेंट्रेशन 1 होगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास Mg2+ का 0.001 है ना। ठीक है और ये Mg2+ E0 का वैल्यू ये कितना दिया हुआ है -2.36 वोल्ट, -0.0591/2 और लॉग ये देखो ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10^3 लिख सकते हैं हम लोग। यस और नो? यस। ये तो सिंपली 3 log 10 मतलब 3 आ जाएगा ये तो। अब इसको सॉल्व करो, ये 3 हो गया तो ये 1.5 टाइम्स में जाएगा, 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करो 0.06 ले लेना इसको अप्रोक्सीमेटली, ये मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। ये तो नियरली मेरे पास -2.448 है एग्जैक्ट, या फिर तुम राउंड ऑफ करके नियरली -2.45 लिख सकते हो।
यही आ रहा है ना, जो भी सॉल्व किया देखो तो। सर हम एनोड कैथोड दोनों में कॉमन लेके फिर सॉल्व किए फर्स्ट वाले मेथड से। हाँ उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आ रहा है देख लो एक बार, मल्टीप्लाई कर लो। तो फिर यहीं पे तो गड़बड़ कर रहे थे तुम लोग। 2.45 आए, ये एनोड का हो गया। इसी तरह हम लोग कैथोड का कर सकते हैं ना, रिडक्शन पोटेंशियल। अब कैथोड पे हमको पता है यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन कराएंगे। तो Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन और ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग Cu2+ से Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग। इसका E0 का वैल्यू हमको कितना दिया है, 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और लॉग ये 1 बाय क्या आ जाएगा। Cu2+ का कंसेंट्रेशन कितना दिया गया है, कितना है, 10⁻⁴ है ना, यस और नो? यस। 0.0001 है तो 10⁻⁴ लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया, 0.0591/2 और इसको 10⁴ log 10, मतलब ये तो 4 आ जाएगा सिंपली। ये इसी को सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है तुम लोगों का, 0.22। यस सर। 0.22 वोल्ट आ रहा है सॉल्व करने पे। यस सर। बस हो गया, तो ये आ गया। अब उसके बाद ई सेल हम लोग कैसे निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ये है हमारा कैथोड का 0.22 वोल्ट और माइनस एनोड का कितना आया ऊपर, -2.45 है तो ये -2.45, तो माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा, ऐड करो दोनों का कितना आ जाएगा, 2.67 हो जाएगा। यही तो आ रहा है आंसर, यही आ रहा है ना सबका। सेकंड का 0.35, सेकंड का 0.35, नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, सेकंड का आंसर है 0.53 नॉट 35। सॉल्व करो कैलकुलेशन जैसे, चेक करो एक बार फिर से, 0.53 है। यस सर। क्या आया बताओ? 0.53 आ गया। 0.53, चलो ठीक है। बाकी सबका जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट। देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल देने का तो कोई जरूरत नहीं है, H प्लस से H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका E नॉट का वैल्यू देने का जरूरत है क्या, वो तो 0 वोल्ट होता है अगर याद होगा तुमको तो। यस और नो? ये तो ऑलरेडी हम लोग स्टैंडर्ड, ये E नॉट H प्लस से H2 जाने का, इसका तो वैल्यू देने का जरूरत नहीं है, ये तो 0 वोल्ट लेते हैं, तो ये तो 0 कंसिडर कर लोगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आयरन का दिया गया है और उसका कंसेंट्रेशन वहां पे तुमको 1 मोलर ही दिख रहा है, तो 1 मोलर वहां पे वो ओवरऑल पूरा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल जो कैथोड का होगा वो हमारा 0 ही आ जाएगा पूरा। लॉग 1 अगर पुट करोगे तो लॉग 1 का वैल्यू तो 0 है ना, यस और नो? यस सर। तो उधर वाला टर्म तो पूरा 0 आ जाएगा,
कैथोड वाला रिडक्शन पोटेंशियल जीरो हो गया पूरा, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल तुम लोग का आ रहा होगा -0.53 आ रहा होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, माइनस 0.53, तब माइनस इनटू माइनस करोगे तो वो प्लस 0.3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को सेकंड वाले में? बोलो जल्दी से। सेकंड वाले में कोई डाउट है? सर ऑर्डर कर बता दीजिए। क्या बता दें? बोलो बोलो जल्दी से क्या बता दें? कौन सा वन या टू? हेलो कौन पूछ रहा है भाई, जल्दी बोलो क्वेश्चन नंबर वन या टू कौन सा बताएं? हेलो आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। कौन पूछ रहा था? अरे बताओ जल्दी से फिर आगे देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को पूछना है? यस और नो? कोई रिस्पांस नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। इसमें दिया गया हमको प्लैटिनम सॉलिड। ठीक है, ये Br माइनस 0.010 मोलर, अच्छे से करना, ये Br2 लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद H प्लस 0.030 मोलर, ये H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका प्रेशर दिया गया 1 bar। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें छोटा करके लिख लो, ये डबल लाइन है यहाँ पे। H प्लस जो है ये है 0.030 मोलर, फिर H2 गैस जो है ये है 1 bar, और उसके बाद प्लैटिनम सॉलिड। ठीक है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। इसका भी E सेल हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे E नॉट हमको दिया गया है Br से Br2 का, Br माइनस से Br2 का। अच्छा, ये वन पॉइंट जीरो नाइन वोल्ट। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेना, हमको बी आर माइनस से बी आर टू का दिया हुआ है, तो ये एक्चुअली कौन सा वैल्यू हमको दिया गया है क्वेश्चन में ये बताओ तो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, ये क्या है? हेलो सर, ऑक्सीडेशन। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। ये वाला जो वैल्यू दिया गया Br- से Br2 में, ये रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस से ये, और Br2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। तो माइनस वन से अगर जीरो पे जा रहा है तो वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है या डिक्रीज, ये बताओ। माइनस वन से अगर जीरो पे जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको दिया गया है क्वेश्चन में। चलो अब बनाओ फटाफट करो। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आराम से बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है।
कैलकुलेशन ढंग से करना। हो गया बन गया सर 1.07 वोल्ट 1.07 नहीं आंसर है मेरे पास इस सेल इज इक्वल टू -1.28 वोल्ट किसी का आ रहा है क्या ये सर -1.30 आ रहा है हाँ ठीक है वो कंसीडर कर सकते हैं 1.28 राउंड ऑफ करके 1.30 ठीक है और किसी का आया
इसके आसपास कोई वैल्यूज आ रहा है, नेगेटिव होगा, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। ई सेल अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। और किसी का आ रहा है इसके क्लोज? यस और नो? चलो ये वाला हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? बताओ तो। यस यस सर। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ पे रिएक्शन एट एनोड क्या हो रहा है, तो एनोड पे हमको पता है कि बी आर माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बी आर माइनस जो है वो बी आर टू में कन्वर्ट हो रहा है। तो बी आर माइनस जो है बी आर टू में कन्वर्ट कैसे होगा? दो बी आर माइनस लेंगे, ये दो बी आर माइनस जो है दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तभी तो बी आर टू लिक्विड में जाएगा। यस और नो? ये बताओ, बी आर माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो बी आर टू में कन्वर्ट होगा। यस और नो? तो बी आर टू लिक्विड और ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। ठीक है, ये एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा हमारा, रिएक्शन एट कैथोड? ये बताओ, एच प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? हाइड्रोजन गैस में। मतलब दो एच प्लस जो है ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा और एच टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यही कुछ होगा ऐसा, ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। समझ आ रहा है बात सबको? यस सर। अब नेट रिएक्शन जब लिखोगे, नेट रिएक्शन क्या आ जाएगा हमारा इस केस में, ये बताओ। नेट रिएक्शन में हम लोग ऐसे ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएं, दो दो इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो सिंपली ऐड कर दो 2Br- और इसका कंसेंट्रेशन हमको दिख रहा होगा, चलो कंसेंट्रेशन बाद में लिख लेंगे, प्लस 2H+ और ये कन्वर्ट हो गया हमारा Br2 लिक्विड और प्लस H2 गैस में। यही हमारा नेट रिएक्शन है। यस सर। और Br- का हमको कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.010 मोलर। ठीक है, और H+ का कंसेंट्रेशन कितना है? 0.030 मोलर। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है? 1 बार। मतलब 1 बार कैन बी नियरली अज्यूम टू बी 1 एटीएम। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब जब इसका तुम क्यूसी का एक्सप्रेशन लिखोगे, तो क्यूसी का एक्सप्रेशन में देखो क्या आएगा, प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे देखो ये बी आर टू लिक्विड में है, तो इसका तो कंसेंट्रेशन कुछ नहीं कंसिडर करना है, करना है क्या? लेकिन हाइड्रोजन तो हमारा गैस में है ना, तो हाइड्रोजन का हमारा कंसेंट्रेशन तो नहीं आएगा, लेकिन हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर तो आएगा। यस और नो? तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का हो गया और पावर तो वन ही रहेगा, कोफिशियंट वन है उसका। और नीचे क्या आ जाएगा? बी आर माइनस का कंसेंट्रेशन और इसका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, और एच प्लस का कंसेंट्रेशन और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यस और नो? यस सर। अब देखो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का 1 एटीएम है या 1 बार है, नियरली 1 ले लिए ऊपर। बी आर माइनस का कंसेंट्रेशन हमारे पास 0.01 है ना, बी आर माइनस का 0.01 का होल स्क्वायर और एच प्लस का है 0.03 इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? इसको सिंप्लीफाई कर लो तुम लोग पहले, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये सब कैलकुलेट करने के बाद? 10 पावर 16 बाई 9 पे पावर 9। अच्छे से करो, तुम लोग का कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ है। ये सब अब पावर और हम नहीं बताएंगे ना, ये सब तो खुद करो।10 का पावर 8 बाई 3। क्या बोल रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग?
सर 10^8/9 सर 10^8/9 सर 10^8/9 10^8/9 यही आ रहा है सबका या 1/9 × 10^8 8 या माइनस 8 10^8/9 यही आ रहा है ना yes. चलो ठीक है तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ गया अब यहाँ पे पुट कर दो एक और चीज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ई सेल इनोड सेल कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इनोड सेल क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड अब यहाँ पे खुद देखो तुम लोग कैथोड पे हमारा कौन सा रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का है तो इनोड इसका रिडक्शन एच प्लस से एच टू में और एनोड का जो है हमारा एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है हमको रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इनोट बी आर टू से बी आर माइनस जाएगा ना तभी तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा यस और नो अब यहाँ देखो हाइड्रोजन वाला तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या लेंगे हम लोग जीरो वोल्ट ये yes. तो जीरो वोल्ट होता है हमारे पास माइनस बी आर टू से बी आर माइनस अब एक्चुअली जो डेटा हमको क्वेश्चन में दिया गया है वो बी आर माइनस से बी आर टू मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा दिया गया है yes. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा कितना हो जाएगा नेगेटिव उसका इसका नेगेटिव हो जाएगा ठीक है प्लस हो जाएगा हाँ हाँ तो माइनस 1.09 वोल्ट ये कितना हो गया इनोट सेल 1.09 वोल्ट हो गया कोई दिक्कत No, sir. Actually, रुको एक मिनट ये डेटा जो दिया गया है ये नेगेटिव है एक मिनट एनसीआरटी से रेफर करना होगा एनसीआरटी में ये डेटा देखो तो मेरे को कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है ये डेटा में ये माइनस है या प्लस है एनसीईआरटी बुक है किसी के पास पास में यस सर देखो उसमें एक टेबल बना होगा रिडक्शन पोटेंशियल वाला टेबल है दिख रहा है तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में उसमें बी आर माइनस जल्दी ओपन करो यस सर एक टेबल दिया हुआ तो उसमें देखो तो 1.09 वो एक्चुअली है क्या रिडक्शन पोटेंशियल है सॉरी तो ये डेटा मेरे को ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया बी आर टू से बी आर माइनस समझ रहे हो वो जो टेबल तुमको एनसीईआरटी में दिया गया है वो क्या लिखा हुआ है देखो तो रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल है ना यस और नो यस हाँ तो 1.09 ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है ठीक है ये ध्यान रखना तो वही कंफ्यूजिंग लग रहा था ये 1.09 ये रिडक्शन पोटेंशियल का डायरेक्ट वैल्यू दिया गया तुमको ठीक है ये करेक्ट कर लेना तुम लोग तो अब यहाँ पे देखो अब यहाँ माइनस करने का जरूरत नहीं है हमको डायरेक्टली हमको ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है ना यस और नो यस तो बी आर टू से बी आर माइनस ये डायरेक्टली हमको रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू दिया गया तो हम लोग यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया डायरेक्ट तो अब आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा समझ में आ रहा है सबको yes. कोई दिक्कत यहाँ पे इनोट सेल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कोई डाउट है जल्दी बोलो हेलो no, sir. यहाँ तक कोई डाउट चलो अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना ई सेल निकालने का ई सेल इज इक्वल टू क्या आ गया इनोट सेल माइनस 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने इन्वॉल्व हैं बताओ जल्दी से
हमारा जो नेट रिएक्शन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? अरे यार जल्दी बताओ, ये जो नेट रिएक्शन दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इसमें? टू। दो, तो एन का वैल्यू टू हो गया, और इनटू लॉग केसी कितना आ चुका है हम लोग का, सॉरी क्यूसी, 10^8/9। हाँ 10^8/9, ठीक है by 9. अब इसको सॉल्व कर लो इसको फटाफट। यहाँ पे ये ई नॉट सेल आ गया -1.09 -0.0591/2, और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, लॉग 10^8 माइनस लॉग 9 होगा। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, देख लो सर, 8 - 0.6, हाँ लॉग 10^8 माइनस लॉग 9, और इसको तुम करो, लॉग 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू, हाँ टू लॉग 3 लिख सकते हैं, और लॉग 3 का वैल्यू हमको पता है 0.48 होता है, लॉग 3 का वैल्यू 0.3, तो लॉग 2 का होता है ना वैल्यू 0.3। कुछ भी तुम लोग बोलते हो, चलो इसको सॉल्व करो फटाफट। ये 10 लॉग, इसको 8 लॉग 10 लिख सकते हो, मतलब सिंपली ये 8 आ जाएगा तुम्हारा, माइनस ये 3 लॉग, सॉरी 2 लॉग 3 हो जाएगा, 2 लॉग 3 इधर आ गया हमारे पास, और ये 0.0591/2, और ये आ गया -1.0। इसको सिंपलीफाई करो फटाफट, सारा वैल्यूज तुमको पता है। यस सर, -1.30 आ, हाँ ठीक है, -1.30 वोल्ट, यही आ रहा है ना इसी के आसपास। चलो तो यही हो गया हमारा आंसर इस सेल। कोई दिक्कत किसी को? तो ये माइनस साइन है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये प्रोसेस जो है या जो रिएक्शन लिखे हैं, ये हमारा सेल जो होगा ये फंक्शनल होगा क्या? ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया ना, ये सेल नेगेटिव है ना। Yes. ए सेल लेस देन जीरो मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब अपने आप नहीं होगा ये प्रोसेस, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी इसमें? अब बन जाएगा नर्स इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, बना सकते हो आप खुद से? यस सर। बोलो जल्दी से, खुद से आप कर सकते हो या नहीं? क्वेश्चंस देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा तुमको, बस अप्लाई करने आना चाहिए। अब ध्यान देना तुम लोग, कैलकुलेशन एरर मत करना, क्योंकि वहीं पे मिस्टेक होता है, कैलकुलेशन एरर कर लेते हैं बहुत लोग, तो वहां पे ही गड़बड़ी है। कैलकुलेशन एरर नहीं करोगे तो बाकी प्रोसेस क्या है, बहुत ही सिंपल है, लग रहा है ना सिंपल? यस। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला। इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किए हैं, वो करते हैं हम लोग, ठीक है? तो चलो, ये समझ में आ गया सबको, ये क्वेश्चन क्लियर है? कोई दिक्कत? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देखो, कैलकुलेट द, फटाफट ये भी बन जाना चाहिए, आसान है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब के इक्विलिब्रियम का वैल्यू हमको निकालना है फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है हमारा, 2Fe3+ + 3I-, ये कन्वर्ट हो रहा है 2Fe2+ + I3-, ठीक है। ये रिएक्शन हमको दिया गया है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिया हुआ है, मतलब ये गिवन है हमको क्या क्या, ई नॉट Fe3+ से Fe2+, इसका वैल्यू हमको दिया गया है 0.78 वोल्ट, और ई नॉट I3- से I-,
ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिया गया है 0.54 वोल्ट. समझ में आ रहा है बात? यस सर. चलो आप कर सकते हो यहाँ पे, बस इतना डेटा काफी है. हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. के इक्विलिब्रियम मतलब कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला, याद है ना, नॉस्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम. तो वहां पे क्या पुट कर दोगे तुम? ई सेल का वैल्यू जीरो होता है इक्विलिब्रियम पे, और ई नॉट सेल तुम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे. ई नॉट सेल निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, और उसको रिलेट करो. फिर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू निकालना है हमको, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम. चलो ट्राई करो. तो अच्छे से लिख लेना पहले, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, उसके बाद करो आगे, तो उससे आइडिया लग जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है. ये रिएक्शन लिख पाए क्या तुम लोग? रिएक्शन एट, चलो हम लिख देते हैं ये रिएक्शन. रिएक्शन एट एनोड क्या होगा? सर वैल्यू 18 आया. एलएन के का वैल्यू 18 आया सर. एलएन के का, एलएन के का, एलएन या लॉग के का? एलएन का. एलएन कहां से पुट कर रहे हो? लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना यार. रिलेशन नहीं बताए हैं तुम लोगों को क्या? नर्स्ट इक्वेशन से तुम लोग निकाल रहे हो ना, ये यहां से निकाल रहे हो ना, ई नॉट सेल. यस सर. ये वाले एक्सप्रेशन से तुम फाइंड आउट कर रहे हो ना? यस और नो? यस. तो इसी से तो आ जाएगा तुमको लॉग के. ये ई नॉट सेल तो तुमको पता है ना, इनॉट सेल कैलकुलेट करोगे इसमें. चलो यहाँ देखो हम करते हैं. 18 नहीं आएगा, वो 8 आ रहा होगा तुम लोग का. तुम लोग कैलकुलेशन में बहुत एरर करते हैं. सर हम एलएन के बोल रहे हैं सर, एलएन के 18 आ रहा है, वो लॉग में शायद आए. वो देखते हैं. चलो एनोड का रिएक्शन क्या हो रहा होगा यहाँ पे ये बताओ. ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है? ये 3i- जो है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? i3- में. अब यहाँ पे बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है ये बताओ तुम लोग. टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है. यस सर. चार्ज बैलेंस करना पता है ना, इधर 3- है, 3-, तो इधर क्या हो गया? 1- यहाँ पे था, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना पड़ेगा ना, रेडॉक्स भूल गए. ठीक है, अब रिएक्शन एट कैथोड क्या हो रहा होगा ये बताओ, बताओ फटाफट. कैथोड पे Fe3+ जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा? एक इलेक्ट्रॉन. और किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? Fe2+ में. ठीक है, अब यहाँ जब नेट रिएक्शन तुम लिखोगे, नेट रिएक्शन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे तुम्हारे. इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे. तो नेट रिएक्शन हमारा वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, देख लो. 2Fe3+ प्लस 3i- और ये i3- और प्लस 2Fe2+ आ गया, सेम चीज.
जो ऊपर लिखा गया जो रिएक्शन, यस और नो? यस। अब हम लोग एट इक्विलिब्रियम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग को अप्लाई करना है, तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ई सेल का वैल्यू जीरो होता है, ई सेल इक्वल टू जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, और क्यूसी का वैल्यू हो जाएगा केसी हमारा, ठीक है। यही दो चीज होता है यहाँ पे, या केसी लिख सकते हैं या के इक्विलिब्रियम लिख लो, ठीक है, बात बराबर है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम लोग इनॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? इनॉट सेल क्या हो जाएगा हमारा? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड करो, तो ये तुमको वैल्यूज तो दिया ही गया डायरेक्टली। कैथोड पे हमारा रिडक्शन किसका हो रहा है? आयरन का हो रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया हमको, कितना दिया गया? 0.78 वोल्ट, और हाँ आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.54 वोल्ट, तो सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है? 0.24 वोल्ट। चलो अब इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें ई ऑफ सेल, ये ई सेल का वैल्यू तो ये जीरो, ये नर्स्ट इक्वेशन में कैसा हो जाएगा? जीरो इनॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दो है, और यहाँ लॉग क्यूसी के जगह हम लोग के इक्विलिब्रियम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ई सेल क्या हो गया? जीरो इक्विलिब्रियम पे, तो डायरेक्टली हम लोग इनॉट सेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये 0.0591 बाई 2 और लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना। अब इसका इनॉट सेल का वैल्यू हमको पता है 0.24, और इधर से 2 लेके आओगे, और इसको हम 0.0591 को नियरली 0.06 ले लेते हैं, ठीक है। ये लॉग के इक्विलिब्रियम आ गया, यहां से के इसको सॉल्व करो, के इक्विलिब्रियम हमारा कितना आ जाएगा देखो तो 10^8। ये इधर ये पूरा सॉल्व करोगे ये 8 आएगा तुम्हारा। अब के इक्विलिब्रियम जब लिखोगे तो ये 10^8 ये नहीं आ जाएगा, तो कहां से तुम ये ln और ये ला रहे हो यहाँ पे? ln कहां से आ गया जब ऑलरेडी हम लोग लॉग में कन्वर्ट करके ये निकाल चुके हैं? ये वैल्यूज तो वो 2.303 मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये कांस्टेंट आया था ना 0.0591। यस और नो? हेलो, यस सर, ये समझ में आ रहा है सबको? देख लो एक बार अच्छे से। यस, यहाँ पे टोटल तुम्हारे ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 2 ये 8 हो जाएगा, तो लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 8 है, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 10^8 नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। अब यहाँ पे बहुत जगह तुमको ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे मान लो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पूछ दिया जाए, तो डेल्टा जी नॉट तुम लोग कैसे निकाल सकते हो? एक तो ये फॉर्मूला है माइनस आरटी एलएन के इक्विलिब्रियम, ये फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हो, या फिर एक और फॉर्मूला है माइनस एनएफ इनॉट सेल, क्योंकि यहाँ पे तुमको दोनों वैल्यूज पता है, के इक्विलिब्रियम का भी वैल्यू पता है और इनॉट सेल का वैल्यू भी पता है, समझ रहे हो बात? तो दोनों में से कोई वैल्यू यूज करके तुम, कोई वाला फॉर्मूला यूज करके तुम लोग डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो, यस और नो? ये जैसे मान लो आरटी वाला यूज करोगे तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, या एनएफ इनॉट सेल यूज करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 2, और एफ का वैल्यू 96500, और इनॉट सेल का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए ही है 0.24 वोल्ट, बस इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर यहाँ पे जूल में आ जाएगा, यही हो गया डेल्टा जी नॉट, ठीक है। कोई दिक्कत? आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। बस ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम पे, मतलब ई सेल जीरो होता है और डेल्टा जी जीरो होता है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग रिलेट करके निकाल सकते हैं डायरेक्टली। सर 4, 6, 3, 2, 0, हाँ ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आएगा, समझ में आ रहा है ना सब चीज? बोलो। यस सर। अब कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो अब? यस। नो स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस।
अप्लाई कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा ही जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मेनली न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं, मतलब मोस्टली देखोगे तुम प्रीवियस ईयर देखो उसमें दिखेगा तुमको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ऑब्वियसली ये इन्वॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। या तो डायरेक्टली नर्स्ड इक्वेशन ही अप्लाई करने पूछते या फिर इसका एप्लीकेशन वाले पार्ट से पूछा जाएगा, तो इसको अप्लाई करके फिर आगे फर्दर सॉल्व करना है, तो ये आना चाहिए तुमको समझ में, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना अच्छे से, और कोई डाउट है इसमें नर्स्ड इक्वेशन वाले पार्ट में? हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब नेक्स्ट टॉपिक में। चलो इसी में एक होता है कंसेंट्रेशन सेल, ठीक है, लिख लो कंसेंट्रेशन सेल्स। अब ये कंसेंट्रेशन सेल्स क्या है, मतलब ये एक स्पेशल टाइप है गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। गैल्वेनिक सेल ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उसी में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम लोग कंसेंट्रेशन सेल बोलते हैं। तो ये क्या है, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रोड्स इन बोथ द हाफ सेल्स आर सेम। समझ रहे हो बात, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड्स दोनों हाफ सेल में अगर सेम हो जाएगा तो इनोड सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा या नहीं होगा? देखो दो हाफ सेल होता है ना अलग अलग, एक कैथोडिक और दूसरा एनोडिक, दोनों में जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज किए हैं वो इलेक्ट्रोड जो होता है दोनों में सेम मेटल का होता है, मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइट भी जो यूज करोगे वो भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सेम ले रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रो मतलब जो हाफ सेल है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक हाफ सेल, उन दोनों में इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं हाफ सेल में। अगर इलेक्ट्रोड सेम है तो उसका इलेक्ट्रोलाइट भी वहां पे सेम ले रहे हैं। तब अगर ऐसा सेम ले लें दोनों केसेस में तो वो सेल फंक्शन कैसे करेगा ये बताओ, क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक का ऑक्सीडेशन और किसी एक का रिडक्शन होना चाहिए तभी तो सेल फंक्शन करता है ना गैल्वेनिक सेल, यस और नो? यस सर। तो वहां पे तो दोनों अगर सेम ही ले लिए तो वो फंक्शन कैसे करेगा, फंक्शन करेगा क्या? नहीं करना चाहिए नहीं, बट वो सेल फंक्शन करता है। क्यों फंक्शन करता है, क्योंकि हम लोग कंसेंट्रेशन डिफरेंट ले लेते हैं, दोनों हाफ सेल में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन डिफरेंट लेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन अगर चेंज कर लोगे ना तो वो फिर देखना सेल फंक्शन करने लगता है, तो वो अभी हम एक्सप्रेशन निकाल के भी बताएंगे, ठीक है। तो बट हम लोग लिख सकते हैं इसको ड्यू टू डिफरेंट कंसेंट्रेशन इन बोथ द हाफ सेल्स द गैल्वेनिक सेल इज फिजिबल, ठीक है। कंसेंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से वह गैल्वेनिक सेल फिजिबल होता है, मतलब वो आराम से काम कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग कंसेंट्रेशन सेल को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोड सेम ले रहा है ना तो उसी का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी का रिडक्शन भी होगा, बट कंसेंट्रेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं तो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन शो करना है। एम सॉलिड जैसे है तो मान लो ये एक्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एम एक्स प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। अब इसमें इसका कंसेंट्रेशन एज्यूम कर लेते हैं हम लोग C1 है, C1 मोलर, ठीक है। और जब इसका रिडक्शन लिख रहे हैं तो रिडक्शन भी सेमी इलेक्ट्रोड अगर यूज कर रहे हैं हम लोग तो एम एक्स प्लस जो है ये रिड्यूस भी हो रहा होगा, C2 इसका कंसेंट्रेशन ले लेते हैं यहाँ पे और ये कन्वर्ट हो रहा है एम सॉलिड में, ठीक है। तो ये हमारा कंसेंट्रेशन सेल का ये नोटेशन हो गया, सेल नोटेशन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है गिवन, ठीक है, ई नॉट इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है हमको एम एक्स प्लस से ये एम जा रहा है, ये मान लो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कुछ हमको दिया हुआ है
कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं y, ठीक है, ये y वोल्ट दिया हुआ है हमको, ठीक है। अब जब यहाँ पे तुम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे, पहले देखो तुम एनोड और कैथोड पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा ये बताओ। हम लोग लिखेंगे एम सॉलिड जो है ये क्या हो रहा होगा, एम एक्स प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा होगा, एक्स इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। कैथोड पे हम लोग सेम चीज लिखेंगे, कैथोड पे ये एम एक्स प्लस जो है ये एक्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, एम सॉलिड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ऐड करेंगे दोनों को, ये एम सॉलिड और ये प्लस एम एक्स प्लस। अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन डिफरेंट है, कैथोड वाले पे कंसेंट्रेशन ये कितना है, कैथोड वाले का कंसेंट्रेशन हम लोग कितना लिए, सी टू ना, सी टू मोलर है ये हमारा, और ये इधर कन्वर्ट हो रहा है एम एक्स प्लस में, तो ये एनोड वाले का कंसेंट्रेशन हमको कितना है, सी वन, ठीक है, और ये प्लस इधर एम सॉलिड आ गया, ये हमारा नेट इक्वेशन आया, नेट रिएक्शन ये है। अब नेट रिएक्शन अगर ये है, ठीक है, तो उसके बाद इसमें अगर नर्स्ट इक्वेशन हम लोग अप्लाई करें, अब नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे, ए सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉग क्यू सी। अब यहां ध्यान दो तुम लोग, ए नॉट सेल तो इसका जीरो होगा या नहीं, ए नॉट सेल अगर इसमें देखोगे तुम लोग खुद बता दो, एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, यही चीज करेंगे। अब अगर हमको ये देखो कैथोड का हमको रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का चाहिए, अब हमको पता है कि इलेक्ट्रोड सेम ही मटेरियल जो या सेम ही मेटल जो है वो रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमको वाई पता है तो दोनों केसेस में तो वाई ही होगा ना, तो वाई माइनस वाई करोगे तो ये क्या होगा, जीरो होगा हमेशा, यस और नो, क्योंकि कैथोड और एनोड पे दोनों हम लोग सेम ही मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो दोनों केस में सेम ही है, वाई ही है ना, समझ आ रहा है बात, यस। तो वाई माइनस वाई करोगे ई नॉट सेल का वैल्यू क्या रहेगा इस केस में, हमेशा जीरो रहेगा कंसेंट्रेशन सेल के केस में, ये ठीक है, तो ये ई नॉट सेल का वैल्यू ये तो जीरो हो गया, तो ये जीरो पुट कर दिया। अब यहाँ पे ई सेल क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस 0.0591 by number of electrons, यहाँ पे कितने involved हैं, x और log, अब QC क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो तो QC का expression इस case में क्या हो जाएगा हमारा, concentration mx plus का, तो C1 by C2, क्योंकि solid का तो आएगा नहीं, C1 by C2 यही हो जाएगा, got it, yes sir, तो ये हमारा कंसेंट्रेशन सेल के केस में ये एक्सप्रेशन आ गया, ये ध्यान रखना। तो कंसेंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से ये C1 और C2 इक्वल नहीं है, C1 और C2 अगर डिफरेंट है तो उसकी वजह से ये हमारा गैल्वेनिक सेल जो है वो फिजिबल हो जाता है, अगर C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा तब तो लॉग वन हो जाएगा, फिर तो पूरा तब तो सेल फंक्शन ही नहीं करेगा, अगर मान लो कंसेंट्रेशन भी तुम सेम ले लिए तो फिर तो काम करेगा क्या वो, नहीं। तो कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से अगर हम लोग दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, मतलब दोनों हाफ सेल में अगर सेम इलेक्ट्रोड भी यूज कर रहे हैं लेकिन कंसेंट्रेशन अगर डिफरेंट ले रहे हैं उसके इलेक्ट्रोलाइट का, तो भी सेल फंक्शन कर सकता है, और उस टाइप के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन सेल। तो कंसेंट्रेशन सेल जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है जिसमें कि इलेक्ट्रोड्स और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दोनों हाफ सेल में हम लोग सेम यूज करते हैं, ठीक है, और उसके लिए हम लोग अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है, इस सेल कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। चलो बात समझ में आ गया या नहीं, यस सर, देख लो एक बार अच्छे से, कुछ भी बना सकते हैं ऐसे।
प्रैक्टिकल पर्पस से कैसे उसको यूज करते होंगे, कहीं ना कहीं तो आता ही होगा। देख लेना, जैसा एनसीईआरटी में एप्लीकेशन तुमको दिया रहता है, एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल अगर तुमको दिया रहेगा, देखना वहां एप्लीकेशन वाले पार्ट में कहां पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं मेनली। हाँ ये जैसा देखो इसमें दिया हुआ है बुक में, और पीएच डिटरमाइन करने के लिए मेनली ये यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग पीएच सॉल्यूशन का निकालने में मेनली ये कंसंट्रेशन सेल का यूज किया जाता है पीएच कैलकुलेट करने में। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो, यस सर आवाज आ रहा है। यस सर आवाज आ रहा। कब गायब हो जाता है यार, पता भी नहीं चलता है। हाँ तो तुम कंसंट्रेशन सेल का एप्लीकेशन मेनली हम लोग पीएच निकालने में करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का अगर पीएच कैलकुलेट करना रहता है तो वहां पे ये कंसंट्रेशन सेल अप्लाई किया जाता है, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? हो गया। सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रुको एक मिनट अभी। सर फ्रीज हो गया। हाँ विवेक होस्ट शिफ्ट करो। अब दिखेगा स्क्रीन, अब दिख रहा है? यस सर, यस सर। चलो तो कंसेंट्रेशन सेल का मेनली हम लोग पीएच निकालने में यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग के लिए एक होमवर्क दे रहा है, एक कंसेंट्रेशन सेल है मेड बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, मेड बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इसके लिए तुमको डिराइव करना है, डिराइव द EMF of cell, मतलब E cell calculate करना है, derive करना है in terms of pH of two electrodes, उन दोनों के pH के term में तुमको derive करना है, ठीक है। और ये expression हम लिख दे रहे हैं, कौन सा expression आएगा? E cell is equal to आएगा तुम्हारा 0.0591, ठीक है। और ये आएगा इधर 1/2 log partial pressure of hydrogen, ये एनोड वाला है, और डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये कैथोड वाला है। ये तुमको डिराइव करना है, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, ई सेल का एक्सप्रेशन तुमको फाइंड आउट करना है ईएमएफ का इन टर्म्स ऑफ पीएच, तो ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। कंसंट्रेशन सेल लिया गया, दोनों में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, ठीक है। ये तुम्हारा पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच, आसान सा चीज है, सिंपली करोगे एक्सप्रेशन, नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करके लिखोगे तुरंत दिख जाएगा तुम लोगों, ठीक है। तो ये तुम लोग होमवर्क है, ये डिराइव करके रखना।
समझ में आ रहा है ना सबको? तो यहाँ पे हम लोग का नर्स्ट इक्वेशन, ये लास्ट टॉपिक था गैल्वेनिक सेल का। यहाँ पे हम लोग का कंसंट्रेशन सेल भी डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग का गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप का सेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। कौन सा दूसरा टाइप का सेल है वो बताओ? सेकेंड टाइप ऑफ सेल कौन सा होता है? लास्ट क्लास में बताए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या देखे, यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। और इलेक्ट्रो सेकेंड टाइप ऑफ सेल में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करेंगे हम लोग केमिकल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी केमिकल रिएक्शन होगा। तो उस टाइप का सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो नेक्स्ट क्लास से वो करना है हम लोगों को। तो गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। तुम लोग नर्स्ट इक्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसके क्वेश्चन अब आराम से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बुकलेट से आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हो। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तुम लोग का टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं? नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो अब आसानी से? यस सर। यस सर। ठीक है, ये भी तुम लोग ये डिराइव करके रखना एक्सप्रेशन, बहुत ही आसान है। एक बार पीएच का एक्सप्रेशन तुमको पता है ना, माइनस लॉग एच प्लस। यस सर। तो बस उसी को इस पीएच के फॉर्म में तुमको लाना है। और क्या, कैथोड और एनोड का बस ध्यान रखना, कौन सा कैथोड है। ए और सी मार्क कर लेना, एनोड वाले को ए मार्क कर लेना, कैथोड वाले को सी, उसके बाद आ जाएगा आसानी से, ठीक है। चलो इतना करके रखना, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे। चलो, कुछ पूछना है आज के टॉपिक से रिलेटेड? बहुत पढ़ लिया आज तुम लोग, कुछ पूछना है तो बताओ, या सारा चीज समझ आ गया? बताओ बताओ जल्दी। हेलो, कुछ पूछना है आज? नो अभिषेक? नो सर। खुशी? खुशी? Yes, कुछ पूछना है? आदित्य? आदित्य, इसको तो कोई डाउट ही नहीं होता है कभी। तुम लोग क्वेश्चंस बना रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के? यस सर। यस सर। नेक्स्ट इक्वेशन तक तुम लोग अब खत्म करके रखना पूरा। यहाँ पे हमारा गैल्वेनिक सेल का, गैल्वेनिक सेल का टॉपिक एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे। चलो फिर, ठीक है, एंड कर रहे हैं, बाकी अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू।